क्या आपने कभी सोचा है कि फाइटर जेट को एक छोटे से 300 मीटर के एयरक्राफ्ट कैरियर पर कैसे लैंड करवाया जाता है? जेट को एयरक्राफ्ट पर लैंड करवाने के दो तरीके हैं। पहला है टेल हुक लैंडिंग, दूसरा है वर्टिकल लैंडिंग। वर्टिकल लैंडिंग काफी मुश्किल है, लेकिन टेल हुक लैंडिंग भी आसान नहीं है। इस लैंडिंग में एयरक्राफ्ट पर चार मजबूत तार बिछाए जाते हैं और जेट के पीछे टेल हुक होता है जो वायर में फंसाना होता है। जब जेट इन वायरों में से एक वायर में फंसता है तो हाइड्रोलिक पावर वायर 2 सेकंड में जेट को रोक देता है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि शुरुआत में जेट तेजी से आता है जबकि लैंडिंग के समय कम होनी चाहिए, तो फिर स्पीड कम क्यों नहीं होती? उसके पीछे रीजन है, अगर बाई चांस हुक तारों में नहीं फंसा तो एयरक्राफ्ट पानी में गिरने की बजाय फिर से उड़ जाए।